थ्री बेडरूम हाउस प्लान डिज़ाइन, 29 एंड 28 फीट का हाउस प्लान डिज़ाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर एक डोर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर डोर, नेक्स्ट इधर डोर एंड इधर डोर, उसके बाद स्टेयर अप। ओके, तो नेक्स्ट उधर ऐसे, इसके बाद यहाँ पर वॉल और उसके साथ विंडो, नेक्स्ट इधर, नेक्स्ट इधर, इसके बाद यहाँ पर ऐसे रहेगा, नेक्स्ट इधर, उसके बाद इधर, नेक्स्ट इधर। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर हम इसका जो वॉल ऐसा क्रिएट करेंगे, यहाँ पर ऐसे, उसके बाद यहाँ पर पार्टीशन वॉल, एक एक पार्टीशन वॉल यहाँ पर 125 mm 5 इंच का वॉल हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। तो इस वॉल के अंदर हमने कुछ विंडो और डोर इसके अंदर भी ऐड किया है। तो फ्रंट साइड में हमने विंडो भी ऐड किया है ऐसे वॉल के साथ, ठीक है, ऐसे डिजाइन रहेगा। 1, 2, 3 रूम, उसके साथ टॉयलेट बाथरूम, किचन, ओपन एरिया, डाइनिंग, ड्राइंग, मेन गेट, यहाँ पर मेन गेट ऐसे, यहाँ पर गेट ऐसा हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके अंदर हम इसका ऐसे वॉल यहाँ पर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर, नेक्स्ट इधर, 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 वॉल के अंदर विंडो ऐसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर रेलिंग ऐसे रहेगा। चलिए हम इसका जो डिटेल्स है आपके साथ शेयर करते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर हम कॉलम ऐड करेंगे, 1, 2, 3 एंड यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। आपको अगर ज़्यादा लग रहा है कॉलम तो आप इसको कम कर सकते हैं। तो जहाँ पर आपको कम करने का ऑप्शन है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर डिटेल्स ऐड करेंगे। डिटेल्स में क्या क्या है, यहाँ पर बेडरूम, बेडरूम 1, इधर 12 फीट 0 इंच डिस्टेंस एंड दिस साइड डिस्टेंस 11 फीट 0 इंच, उसके साथ विंडो, ठीक है। यहाँ पर बेडरूम, बेड कम स्टडी नंबर 2, यहाँ पर 10 फीट 0 इंच एंड इधर 11 फीट 0 इंच, इधर विंडो ऐसे। उसके बाद देखिए यहाँ पर वेंटिलेटर, बाथ प्लस WC 4 फीट 4 इंच एंड 11 फीट, यहाँ पर D1 डोर, डोर 3 फीट 3 फीट 3 फीट, यहाँ पर विंडो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर डोर, इधर विंडो, नेक्स्ट इधर विंडो, बेडरूम, फ्रंट बेडरूम यहाँ पर 3 नंबर, ओके, 12 फीट 0 इंच एंड 10 फीट 0 इंच। उसके बाद यहाँ पर मेन गेट एंट्री,
देयर 5 फीट 10 इंच डोर, यहाँ पर किचन 8 फीट 6 इंच एंड यहाँ पर 6 फीट, तो फ्रंट साइड में इधर विंडो, ओके इधर विंडो, वेंटिलेटर, यहाँ पर वॉश एरिया, ओके यहाँ पर डाइनिंग, यहाँ पर DWG ड्राइंग, इधर 9 फीट 2 इंच का गैप रहेगा, ठीक है 6 फीट 4 इंच गैप, उसके बाद यहाँ पर जो डिस्टेंस, यहाँ पर 10 फीट 3 इंच एंड इधर डिस्टेंस 10 फीट 4 इंच, यहाँ पर डिस्टेंस 6 फीट 11 इंच, ओके ऐसा रहेगा डिज़ाइन। उसके बाद यहाँ पर जो मेज़रमेंट 28 फीट 0 इंच एंड 29 फीट 0 इंच, इस डिज़ाइन का जो खर्चा आएगा हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। इसका जो बाहर का वॉल यहाँ पर 5 इंच वॉल, अंदर का जो वॉल यहाँ पर 5 इंच वॉल, यहाँ पर कलम देखिए 12 बाई 11, इसका जो कलम है यहाँ पर 10 बाई 12 इंच आप कर दीजिए तो आपका बहुत ही फायदा होगा। 4 नंबर 16 mm टॉर यहाँ पर आप इस्तेमाल कीजिए, G+2 बिल्डिंग टॉप आपको बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है ए फर्स्ट पार्ट। 28 इंटू 29 फीट इज इक्वल टू 802 स्क्वायर फीट हाउस डिज़ाइन। अच्छा कॉस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर कॉस्टिंग आएगा यहाँ पर 15 लाख रुपीस, ओके यहाँ पर तो 15 लाख रुपीस यहाँ पर आएगा खर्चा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉस्टिंग के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर हम एक लिस्ट ऐड कर देंगे, यहाँ पर ब्रिक्स प्लस सैंड प्लस सीमेंट प्लस कलर प्लस लेबर प्लस रेनफोर्समेंट गिट्टी कोर्स एग्रीगेट एंड इलेक्ट्रिकल प्लस सैनिटरी एंड प्लम्बिंग इंक्लूडिंग सब कुछ इसके अंदर रहेगा। तो आपको प्लान डिज़ाइन अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं, नहीं आए तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।